पिछले दिनों अधिवक्ता के साथ हुई मारपीट के विरोध में अधिवक्ताओं ने पुलिस को सौंपा ज्ञापन। पिछले दिनों वार्ड नंबर 10 शिवनगर के रहने वाले अधिवक्ता अरुणेन द्विवेदी के साथ रात करीब 10:30 बजे छोटी पुल के पहले कुछ अज्ञात लोग मारपीट करने लगे और उनके पास रखे करीब 60,000 रुपये भी छीन ले गए, लेकिन अभी तक आरोपी नहीं पकड़े गए, जिसकी शिकायत अधिवक्ताओं ने पुलिस से की है और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। उसके माने साथ एक महीने पहले कबाड़ी टोला में 60,000 रुपए की लूट हो गई, उनके साथ मारपीट हुई, जाके उन्हें FIR मारे, वहाँ शिकायत दर्ज कराई, आज तक चिड़ी कोतवाली के TI ने कोई कार्रवाई नहीं। मनीष शर्मा करके एक वकील साहब है, परसों के घर में घुसकर 4 माने अपराधियों ने घर में घुसकर मारपीट की, उसकी भी रिपोर्ट कराई, मेडिकल भी हुआ, आज तक TI सिटी कोतवाली ने कोई कार्रवाई नहीं। और सिटी कोतवाली के TI को पता नहीं क्यों वकीलों से बड़ा बैर है, वकीलों के खिलाफ मुकदमा कायम कर रहे हैं, बड़ा बहादुर है वो, और वकील अगर रिपोर्ट करे और कोई अपराध उसके साथ हो जाए तो वो मुकदमा निश्चित कायम करने की कसम खा के रखा है। SP साहब को मैंने परसों तक का टाइम दिया है, परसों तक आपको जो करना हो करिए, नहीं तो पुलिस का हम कोर्ट के अंदर आना बंद कर देंगे। अरुणेन द्विवेदी एडवोकेट हैं, इनके साथ में यहाँ जो बार एसोसिएशन है उनके अध्यक्ष आए थे पांडे जी, और उनके साथ में वकील भी थे। इनकी मांग ये थी कि इन्होंने जो अरुणेन द्विवेदी हैं एडवोकेट हैं, रिपोर्ट किया था 16 फरवरी को, और इनकी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसी का आक्रोश था। एक कोतवाली का मैटर है और इसमें हमारे SP गुप्ता जी आकर उनको आश्वासन दी है, इसमें कार्रवाई करवाते हैं।